नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक है बेलानाइटिस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बेलानाइटिस क्या होता है, बेलानाइटिस के कारण क्या होते हैं, बेलानाइटिस के लक्षण क्या होते हैं और बेलानाइटिस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और बेलानाइटिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, जानते हैं बेलानाइटिस क्या है। बेलानाइटिस पेनिस के सबसे ऊपरी हिस्से जिसे फोर स्किन कहते हैं, फोर स्किन में सूजन, जलन, रेडनेस और दर्द होने की समस्या को कहते हैं। फोर स्किन में इन्फेक्शन की समस्या शुरू हो जाती है तो इसे हम बेलानाइटिस कहते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं बेलानाइटिस कितना सामान्य है। बेलानाइटिस पुरुषों में होने वाली समस्या है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। इससे बचने के लिए शरीर के अन्य हिस्सों के साथ साथ पेनिस की साफ सफाई पर भी ध्यान देना अत्यंत जरूरी है, अन्यथा पेनिस में इन्फेक्शन और बेलानाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। अब जानते हैं हम इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। बेलानाइटिस के संकेत और लक्षण ये हो सकते हैं, पेनिस या फोरस्किन में सूजन आना और लाल होना, पेनिस में दर्द होना, पेनिस से आने वाले डिस्चार्ज से दुर्गंध स्मेल आती हो, पेनिस की स्किन पर रैश होना। अगर बेलानाइटिस का इलाज नहीं किया गया तो पेनिस में साफ्ट की समस्या शुरू हो जाएगी, इस वजह से अल्सर और दाने की समस्या हो सकती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। बेलानाइटिस गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। अगर आपको बेलानाइटिस के लक्षण समझ में या नज़र आते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर बच्चे में बेलानाइटिस की समस्या है तो ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द शिशु रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको ये परिस्थितियों में आराम नहीं मिल रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे इलाज के बाद भी परेशानी कम न हो, इलाज के बाद 3 से 4 दिनों के बाद भी समस्या बनी रहे, यूरिन के दौरान परेशानी हो या यूरिन से ब्लड आना शुरू हो जाए, परेशानी कम नहीं होने पर सर्कमसीजन सर्जरी की सलाह दी जाती है। अब हम जानते हैं किन कारणों से होता है बेलानाइटिस। बेलानाइटिस प्राय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखने के कारण या सर्कमसीजन सर्जरी नहीं होने के कारण होता है। हालांकि इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया या ईस्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI, एलर्जी, हाइजीन की कमी, इंजरी या ट्रॉमा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD, सेक्सुअल इंटरकोर्स। और इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि आप जो है नॉर्मली जो है सोप से इसकी क्लीनिंग करते हैं, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से भी हार्म हो सकता है और आपको बेलानाइटिस हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको खुशबू वाली चीज़ें और जो है ऑर्डिनरी सोप से आपके प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ कर भी नहीं करनी चाहिए, इससे भी बेलानाइटिस होने का खतरा रहता है। फोर स्किन का टाइट होना, यूरिन ठीक से नहीं आना, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बेलानाइटिस की समस्या हो सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा किन कारणों से बढ़ सकती है बेलानाइटिस की समस्या। बेलानाइटिस कई कारणों से बढ़ सकती है, उन कारणों में शामिल हैं खुद से हाइजीन का ख्याल नहीं रखना, ईस्ट इन्फेक्शन यानी फंगल इन्फेक्शन, जिन लोगों में आर्थराइटिस की समस्या हो, वैसे लोग जिनमें डायबिटीज की समस्या हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD जैसे हर्पिस या गोनेरिया, इनकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा समस्या बन सकती है। अब हम जानते हैं बेलानाइटिस का निदान कैसे किया जाता है। तो बेलानाइटिस के इलाज करने से पहले उसकी कुछ जांचें करा लेनी चाहिए। मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है, शारीरिक जांच की जाती है, पेनिस से हुए डिस्चार्ज की जांच कर यह पता लगाया जाता है कि ईस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरिया से जुड़ी समस्या भी
है या नहीं, ब्लड टेस्ट जिसमें पता चल सके कि कहीं ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी की वजह से तो नहीं हुआ है, ये आपके ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं। अब हम जानते हैं बेलानाइटिस का इलाज कैसे किया जाता है। इलाज उम्र और कारणों को समझकर दिया जाता है। एक्सपर्ट यह भी ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी के कारण बेलानाइटिस की समस्या शुरू हुई है या कोई अन्य कारण है। पेनिस की फोरस्किन को हल्के गर्म पानी से क्लीन किया जाता है। परेशानी कम होने पर एंटीबायोटिक क्रीम लगाकर इलाज किया जाता है। अगर परेशानी ज़्यादा है तो एंटीबायोटिक की टैबलेट खाने के लिए दी जाती हैं। पेनिस में आई सूजन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम लगाने की सलाह दी जाती है। रिकवरी का समय रोगी के कारणों और लक्षणों पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में 5 से 10 दिन में लक्षणों में सुधार आ सकता है, यह ठीक भी हो सकता है। गंभीर स्थिति में ठीक होने में वक्त लग सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है इसका घरेलू इलाज कैसे करें और क्या सावधानी रखें इससे बचने के लिए। आपको बताना चाहूँगा हाइजीन का खुद से ख्याल रखें। पेनिस की फोरस्किन की सफाई नियमित रूप से करें। ऐसी क्रीम मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल न करें जिससे परेशानी हो। सेक्स के दौरान कंडोम का इस्तेमाल करें। सेक्स करने के बाद को अच्छे से साफ करना चाहिए। योगर्ट एक नेचुरल प्रोबायोटिक है, अपनी डाइट में योगर्ट शामिल करें, यह बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकेंगे। प्रोबायोटिक का सेवन करने से लैक्टोबैसिलस की मात्रा में इजाफा होता है जो मूत्र में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है जो खुद में एक एंटी बैक्टीरिया का काम करता है। डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें। सोप का इस्तेमाल डॉक्टर से पूछकर करें। गुप्तांग में परेशानी न हो और हवा मिलती रहे इसके लिए हमेशा कॉटन के कपड़े पहनें। ऐसे कपड़े या अंडर गारमेंट्स न पहनें जिनसे पसीना जमा होता हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। आपको हर घंटे में 1 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी का जितना ज़्यादा सेवन करेंगे उससे मूत्र मार्ग में यूटीआई के बैक्टीरिया पेशाब के साथ बाहर निकल जाएंगे जिससे बेलानाइटिस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। ज़्यादा पानी पीने से आपको पेशाब भी बहुत लगेगा, तो आपको जब भी पेशाब आए तो आप कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बेलानाइटिस से संबंधित जरूरी बातों को बताने की कोशिश की है। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई जानकारियां पसंद आई होंगी। अगर आपको इस बीमारी से जुड़े किसी अन्य सवाल का जवाब जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।